हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल नीचे वाली फॉर्म को एक फैक्टरी फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला मेथड लगाऊंगा और यहाँ पर इसको फॉर्म को चेंज करूंगा। देखना कैसे करूंगा, यहाँ रफली मैं साइड में बता देता हूँ आपको। पहले एक्स प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है उसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है सर। फिर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस फोर हो जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आ गई कि? हाँ सर, देखो एक्स स्क्वायर में से माइनस हो गया, एक्स में से माइनस चला गया तो माइनस रह गया, ये माइनस आ गया, ठीक है सर। आगे देख, आपको पता है इसको हम कैसे चेंज करते हैं सर? एक्स के कोफिशियंट का हाफ, एक्स का कोफिशियंट कौन है? वन, वन का हाफ का स्क्वायर किया, ठीक है, हाफ का स्क्वायर किया। अब इसमें से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस हाफ होल स्क्वायर एक साथ, और माइनस फोर और माइनस ए वन अपॉन फोर एक साथ, इस पूरे को पैक करोगे तो एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा सर। माइनस फोर अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर एलसीएम ले लो इधर, एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर, फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस वन अपॉन फोर, और ये हो गया है आपके पास एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस सेवनटीन बाय फोर। फाइनली देखूंगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस रूट सेवनटीन बाय टू होल स्क्वायर। अरे अरे, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मेरा फेस आ रहा होगा, एक मिनट रुको ना, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, सिक्सटीन सेवनटीन, तो एक काम करो इसको मैं टू बना देता हूँ, ठीक है, इसको रूट सेवनटीन का होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो इसको हम आगे लिखेंगे रूट सेवनटीन बाय टू का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अब ये मुझे एक फॉर्मूले की तरह याद आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले से पहले मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? एक्स माइनस वन बाय टू इक्वल टू टी माना, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया, एक्स का डीएक्स हो गया, ठीक है सर। और ये जो हाफ है, हाफ का तो सर कुछ होगा नहीं तो सेम रहेगा ये वैल्यू, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स में डीटी। देखो क्या किया, एक्स माइनस हाफ का एक्स का किया तो एक्स का डीएक्स हो गया आपके पास, माइनस हाफ का जीरो हो गया और ये इसका डीटी हो गया, और लिमिट भी चेंज कर लो। लिमिट चेंज कैसे होगी? देखो वैन एक्स इक्वल्स टू जीरो है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो टी की वैल्यू क्या होगी सर? टी की वैल्यू एक्स की जगह जीरो पुट किया मैंने और ये हाफ, तो माइनस हाफ हो गए सर लिमिट। और जब एक्स की वैल्यू मेरे पास एक जीरो है वैल्यू और एक टू है, टू है तो टी की वैल्यू क्या होगी? जीरो, एक सेकेंड, जीरो नहीं, टू, टू माइनस हाफ, टू में से हाफ माइनस के एलसीएम लेंगे, टू टू जा फोर माइनस वन, थ्री बाय टू। तो समझ में आया? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन पता कैसा बन गया आपके पास, क्वेश्चन ये बन गया आपके पास, लिमिट जीरो थी जो लिमिट, उसकी जगह तो माइनस हाफ आ गई, और जो ऊपर टू थी उसकी जगह थ्री बाय टू हो गई, डीएक्स की जगह डी टी हो गया, नीचे रूट सेवनटीन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस, और इस पूरे की जगह टी का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आएगा यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ पहले इसको लेके क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन ऐसा है, माइनस हाफ टी बाय टू डी टी अपॉन रूट सेवनटीन बाय टू होल स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है भाई लगाओ। एक सेकेंड, बाहर कुछ छूट गया क्या हमारा इसमें से वैल्यू? नहीं सर, सही है सब कुछ, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर ही दिया, ठीक है। हाँ भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वन अपॉन टू ए कौन है? ये रूट सेवनटीन बाय टू, ये ए हुआ, लॉग ए का मतलब है रूट सेवनटीन बाय टू प्लस एक्स यानी प्लस टी, रूट सेवनटीन बाय टू माइनस टी, ब्रैकेट बंद, और इन सब के पास ऊपर आ जाएगी लिमिट, ठीक है। ये तो कैंसिल होके ये तो बाहर आ जाएगा वन बाय रूट सेवनटीन, उसको छोड़ो, केवल अंदर वाली वैल्यू की बात करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ। रूट सेवनटीन बाय टू अपर लिमिट लगाएंगे पहले, तो प्लस में एक सेकेंड, थ्री बाय टू अपर लिमिट है, रूट सेवनटीन बाय टू माइनस थ्री बाय टू, ये सब अपर लिमिट चल रही है, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे लॉग प्लस
ये माइनस में हाफ है, माइनस माइनस हाफ, ब्रैकेट क्लोज। बता समझ में आया क्या? आगे देखो, 1/√17 आपके पास है, लॉग ब्रैकेट में चल रहा है लॉग। अब इसको सॉल्व करो या एलसीएम लेंगे, तो सर ये हो जाएगा आपके पास √17 + 3/2, √17 - 3/2 माइनस लॉग, प्लस माइनस माइनस हुआ, √17 - 1 ओके / 2, और √17 - -1 / 2 ब्रैकेट में, उससे 2 कैंसिल आउट, उससे 2 कैंसिल आउट। अब देखो क्या बचा, यहाँ आपके पास फाइनली ये वैल्यू बची है लॉग √17 + 3, √17 - 3 माइनस लॉग √17 - 1, √17 + 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपॉन में आ जाएगी पूरी पूरी वैल्यू, √17 + 3 अपॉन √17 - 3 अपर लिमिट, √17 - 1 + 1, 1/√17 लॉग, नीचे भेजो √17 + 3 अपॉन √17 - 3 इंटू √17 + 1 -1, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। पीछे कर रहा हूँ मैं, 1/√17 लॉग। अब देखो √17 + 3 और √3 + 1 + 1 है ना, ठीक है, नीचे ठीक है करो। हाँ भाई मल्टीप्लाई कर दूँ, 17 हो जाएगा, √17, 3√17 + 3 अपॉन 17 - √17 - 3√17 + 3, और सॉल्व करो कितना हो गया, 17 और 3 कितना हो गया, 20, और ये 3 और 1 ये 4√17, 3√17 और 1√17 4√17। नीचे देखो 20 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 4√17, ठीक है। क्या करें, चाहे तो अपन इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, और अब हम इसमें रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज समझते हो ना, 20 + 4√17 20 माइनस है ना डिफरेंट साइन 17, 1/√17 लॉग, ऊपर हो जाएगा 20 + 4√17 का होल स्क्वायर। या इसको अपन एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, बड़ी वैल्यू की जगह छोटी कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड कॉमन निकाल लेता हूँ ना 4 इसमें से, 4 निकाला, 4 5 20, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो। अब देखो क्या बचा फाइनली आपके पास, 5 + √17, 5 - √17, यहाँ रैशनलाइज करो आप, ठीक है। वैसे तो यहां तक सही है आंसर, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा, और 5 + √17 होल स्क्वायर लग जाएगा, a² - b² एक सेकेंड, ये माइनस है ना, ए प्लस आएगा, a + b a - b a² - b² 5 + √17 को ओपन कर लेते हैं, 5² √17² + 2 a और b। नीचे देखो 5 का square 25, 17 का √17 का 7। आगे देखो 5 5 = 25 + 17 tan√17 अपॉन 25 में से 17 को लेस करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 11 5 5 और 3 8। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया, इसको भी आगे सॉल्व करो कितना हो गया, ये 25 और 17 ऐड कर लो कितना हो गया, 7 5 12, 1 2 3 4 42 + tan√17 /
मतलब यहाँ तक समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। देखो सिंपल है, 5 का 25 हुआ, 17 रूट 17 है तो ओनली 17 हो गया। ऐड करेंगे 20 30, 5 7 12 40 42, माइनस करेंगे 17 23 5 8। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या बचा आपके पास? 1/√17 log 42 प्लस टेन रूट 17/8। ठीक है, ये आंसर परफेक्ट है। और चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा? 2 की टेबल से कॉमन आ रहा है सर। हाँ सर आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, यहाँ तो 8 का 8 रहेगा। ठीक है सर, 4 टाइम कटा, 21 प्लस 5 रूट 17 5 4। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, ये परफेक्ट आंसर हो गया, कंप्लीट क्लियर। चाहो तो उसको वापस से ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, m-n तरीके से। बाकी ये परफेक्ट हो गया, ये हो गया कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 9.9 क्वेश्चन नंबर 6th।